नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप रोड देख रहे हैं एपेक्स की, और इसके साथ में जो दीवार है, ये दीवार झांसी के जो ग्वालियर रोड पर ओवरब्रिज बन रहा है उसका एक हिस्सा है। यह दरअसल ग्वालियर रोड पर बन रहे 4 लाइन ओवरब्रिज का यह जो सूती मिल की तरफ जाने वाला मार्ग है, वहाँ इस ओवरब्रिज का ये हिस्सा पूरी तरह से लगभग तैयार है। और यहाँ से एक मार्ग जो पैदल चलने वालों के लिए दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं लोगों की गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। हालांकि पूरी तरह से यह मार्ग दोनों तरफ नहीं बन पाया है, क्योंकि इसको भी बीच में जो काम चल रहा है, लेकिन अंदर के लिए जाने वाले लोगों के लिए यह रास्ता अब सुगम हो गया, जिसे संपर्क मार्ग बगल के दोनों कहते हैं वो बन गए हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरब्रिज पर भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे लहराए गए। हम आपको यहाँ से ओवरब्रिज का वो हिस्सा दिखाते हैं जहाँ आप जब ग्वालियर की तरफ से आएंगे तो इस हिस्से से चढ़कर ही आप BKD और एलाइट की ओर जाएंगे। ये मार्ग अब इस तरफ भी बना दिया गया है, और जो BKD की तरफ का हिस्सा है वहाँ भी इसी प्रकार का संपर्क मार्ग बना है। तो बहुत तेज़ी से ओवरब्रिज के निर्माण के साथ में जो संपर्क मार्ग हैं वो भी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से लोगों को जो मोटरसाइकिलें हैं या अन्य वाहन से निकलते हैं उन्हें सहूलियत हो सके। और यह देख सकते हैं यहाँ से जो मेन रोड है, जो ग्वालियर की तरफ जाने वाली मेन रोड है, वहाँ पर यह मार्ग संपर्क मार्ग खुल जाता है। यहाँ ये जो ब्रिज का दूसरी हिस्सा है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो सूती मिल की तरफ खुलता है वो वाला हिस्सा है। और यहाँ से ही आप जब ग्वालियर रोड की तरफ से आएंगे तो इस हिस्से पर आपको 4 लेन के जो ब्रिज है उस पर चढ़ना होगा। फिलहाल यह बड़ी सुविधा है, दोनों तरफ अब संपर्क मार्ग इसलिए बना दिए गए हैं जिससे लोग निकलते हैं तो उनके लिए अंदर जाने वालों को काफ़ी सहूलियत हो सके। और यह सीधा मार्ग आप देख रहे हैं ग्वालियर रोड की तरफ जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ से ये जो पुल का हिस्सा है जो ग्वालियर रोड की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किस तेज़ी से काम चल रहा है। और जो मुख्य सड़क, नीचे की सड़क होती है, उसके निर्माण का कार्य चल रहा है, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से यह हिस्सा कंप्लीट होने वाला है और जो दूसरे हिस्से का निर्माण होगा वो इस तरफ से होगा। यानी दोनों तरफ के हिस्से अब जल्द ही बनकर तैयार होंगे। तो आप इस 4 लाइन के ओवरब्रिज पर ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा 4 लाइन का ओवरब्रिज दिखाई देगा। ये अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हिस्से दिखाई देते हैं, और ऊपर जो इंद्रधनुष का आकार दिखाई दे रहा है ये रेल लाइन के ऊपर का हिस्सा है, जहाँ से एक तरफ और का जो साइड का बनना है अभी इंद्रधनुष वो भी बनेगा। और दोनों तरफ के हिस्से जुड़ने के बाद आपको ओवरब्रिज के ऊपर से जब आप निकलेंगे तो ये इंद्रधनुष के बीच जो नई डिज़ाइन का आधुनिक तरीके का यहाँ पर निर्माण किया गया है, रेलवे के द्वारा इस निर्माण को किया गया है ताकि आने वाले समय में परेशानी ना हो। और यह सड़क अब जो 4 लेन की ओवरब्रिज की ग्वालियर रोड तरफ की है, जो सूती मिल का हिस्सा है, जहाँ से आप ग्वालियर रोड से जब आएंगे तो BKD की तरफ जाने वाले हिस्से में चढ़ने के लिए यहाँ से ही आपको रास्ता मिलेगा। और इस रास्ते की सड़क अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो रही है, बीच में यह डिवाइडर लगे हुए हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं यह जो सड़क है ओवरब्रिज पर चढ़ने के लिए यह बनकर तैयार हो रही है। और हम आपको एक अंदरूनी खबर बता रहे हैं, हालांकि इसको हम पुष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा जहां तक जानकारी है तहां तक आपको बता दें कि 2-3 महीने के अंदर आपको ओवरब्रिज पर फर्राटे भरने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा जो लगभग बनकर तैयार है, बाईं तरफ आप देख रहे हैं जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, यह हिस्सा लगभग बनकर तैयार हो गया है। और ऊपर जो ध्वज दिखाई देता है, जो इंद्रधनुष जैसा, इसको रेल लाइन के ऊपर भी जोड़ दिया गया है। जैसा कि हमको जानकारी बताई जा रही है कि संभवतः
इसका उद्घाटन 2-3 महीने बाद कर दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ से पूरी तरह से निकल सकें। और ये दूसरा हिस्से का काम, चूँकि इसके बीच में काफ़ी काम अभी बाकी है, तो इसको निर्माण होने में समय लग सकता है, 6-8 महीने का समय इसमें लग सकता है। ऐसी स्थिति में संभवतः 2024 के चुनाव से पहले जो झांसी वालों को पुल पर फर्राटी भरने का जो मौका दिया जाना है वो शायद आपको 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा। और हो सकता है इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या अन्य जो भी यहाँ पर उद्घाटन के लिए इस कार्यक्रम में आए तो आपको तब इसकी जानकारी हम आपको विधिवत देंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी आई है 2 या 3 महीने के अंदर आपको पुल पर फर्राटी भरने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है उस पर सड़क ऊपरी हिस्से में डाली जा रही है, बीच में 1-2 पिलर जो बनने को शेष रह गए थे वह भी लगभग 1-2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। ऊपरी हिस्से की सड़क भी बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि एक मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाए, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है कि जो सीपरी बाज़ार का, माफ करें, ग्वालियर रोड का जो 4 लेन का ओवरब्रिज बन रहा है उसका जल्द ही एक हिस्सा यातायात के लिए लोगों के लिए खोला जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि लोगों को यहां से निकलने का बेसब्री से इंतज़ार है। और आपको दिखा दें हम कि यहां जो बीच के मार्ग हैं वहां पर आसपास जाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले वाले हिस्से में दिखाया, वहाँ पर संपर्क मार्ग बनाया गया है, यहाँ भी संपर्क मार्ग है। और यहाँ से साइड में ITI की तरफ से जो लोग जाते हैं उनके लिए एक मार्ग है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं बीच का ये रास्ता है और यहीं से संपर्क मार्ग को जोड़ा गया है और ये दतिया गेट की तरफ जाता है। और यहाँ से आप जो अमर उजाला प्रेस की तरफ से लोग आते हैं वो मार्ग है, यहाँ पर भी ट्रैफिक चलता है। तो कुल मिलाकर अब जल्द ही आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है कि जो ओल्ड 4 लेन का ओवरब्रिज है उसका एक हिस्सा आपके लिए खोला जा सकता है, ताकि आप यहाँ से फर्राटे भरें और एक जो झांसी को नई सौगात मिलना है उसका आपको लाभ मिल सके। क्योंकि 4 लेन हुआ ब्रिज के निर्माण को लेकर पिछले कई समय से हम आपको लगातार जानकारी देते आ रहे हैं और हर अपडेट को हमने दिखाया है। हम आपको बीच का हिस्सा वो भी दिखाते हैं जहां रेल लाइन के ऊपर इसका हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं सिर्फ जो ऊपर का लोहे का वाला हिस्सा है जो पटरियों के बीच में है उसके बीच में सिर्फ ये पिलर बनने को रह गए हैं, इनके ऊपर की छत डलना शेष रह गई है। इसके बाद से यह पूरा हिस्सा ग्वालियर रोड से BKD की तरफ जाने वाले मार्ग का जुड़ जाएगा और संभवतः है कि यहाँ से यातायात को चालू कर दिया जाए। ये यहाँ जो ओवरब्रिज ऊपर का है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी झंडा लहराया गया है और यही हिस्सा बस ज्वाइंट होना है, बाकी का यह जो निर्माण है वह देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक शेष रह गया है और इसमें 2 से 3 महीने का जो समय है वो लग सकता है। और इसका बहुत युद्ध स्तर पर आप देख सकते हैं काम भी चल रहा है। बहुत जोखिम के साथ में काम होते हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में रेल लाइन निकली है और यह पुल है। हम आपको एक चीज़ और अहम जानकारी दे दें कि ये जो हिस्सा बना है, ये जो इंद्रधनुष का आप हिस्सा देख रहे हैं गोल आकार का हिस्सा, इससे यहाँ जो निर्माण वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर बनाया गया था और इसे फिर इस तरह के रेलिंग के जरिए जो पटरियाँ हैं इसके जरिए धीरे धीरे मशीन से खिसका कर ये जो देख रहे हैं पटरियाँ, आप देख रहे हैं ये पटरी बनी हुई हैं, इन पटरियों के जरिए, क्योंकि इन्हीं पटरियों के ऊपर इसका निर्माण किया गया था इस हिस्से का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हिस्सा, और इसको बनने के बाद फिर इसको
मशीन के द्वारा धीरे 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 खिसका कर दूसरे हिस्से से ज्वाइंट किया गया। यानी बहुत ही तकनीकी काम होता है, जिसे हजारों टन वजनों का यह हिस्सा इस प्रकार से दूसरे हिस्से से ज्वाइंट किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह बड़ी लाइन आपकी डली हुई है। और अब जो दूसरे हिस्से का निर्माण होगा, दूसरे हिस्से में भी इसी प्रकार का हिस्सा बनाया जाएगा पुल के लिए, तो उसको भी इन्हीं प्रकार की पटरियों पर बनाया जाता है। और उसके बाद फिर से ये जो स्वरूप जब उसका बन जाता है, और उसको धीरे से फिर मशीनों के ज़रिए धीरे धीरे करके पटरी के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। तो फिलहाल यह हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो ग्वालियर रोड का फोर लाइन का ओवरब्रिज है, वह आपको एक दो महीने के अंदर एक हिस्से में चालू अवस्था में मिल जाएगा और आप उस पर फर्राटे भर सकते हैं। तो फिलहाल आप देखते रहिए मार्केट संवाद, हम आपको जल्द नई अपडेट देंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आप क्या देखना चाहते हैं। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।